हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर न्यू सीरीज चेसिंग ड्रीम्स। आज हमारे साथ है एमएस वर्जन से शेफ मनोज शानबाग। मनोज आज हमें शेफ प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, तो चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो मनोज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मनोज आज आपसे बातें करते करते हम एक डिश बनाने वाले हैं, तो प्लीज उसके बारे में हमें बताएं। आज जो हम बनाने वाले हैं वो है बेगल्स। ओके, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ज्यूइश, इट्स अ ज्यूइश प्रोडक्ट, बट उसके बाद वो यूएसए में आके फिर इंडिया में फेमस हो गया। तो इस डिश की स्पेशलिटी क्या होती है? इट्स अ कॉमन ब्रेड, मतलब उसमें फ्लावर, ईस्ट, शुगर एंड वाटर उतना ही रहता है। तो उसका स्पेशलिटी क्या है, उसको बेड दूसरे शेप में किया जाता है और उसके बाद उसको बॉइल करके फिर बेक किया जाता है। तो उसका टेस्ट कैसा रहता है, मीठा रहता है, खट्टा रहता है, किस तरीके का फ्लेवर है? उसका काइंड ऑफ अ सेवरी प्रोडक्ट, बट उसको स्वीट एंड सेवरी दोनों में ही खाया जाता है। ओके, जो ब्रेड रहता है वो सिंपल सॉल्टी टेस्ट रहता है, पर उसको कट करके उसके अंदर फिलिंग, काइंड ऑफ अ सैंडविच ब्रेड। तो उसकी फटाफट हमें इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, उसके लिए हमें क्या क्या लगने वाला है? उसके लिए हमें लगने वाला है वाटर, फ्लावर, some grain flour and salt, that's it. That's it? Yeah. और फिर इसे हम टेस्ट किस तरह से वो बाद में बेक करने के लिए? Yes, that's it. उसके बाद ही। ठीक है गाइस, तो ये रेसिपी बहुत ईजी है बनाने के लिए। उस पूरे वीडियो के दौरान आप देखते रहिए, मनोज आपके साथ बाद में ये वीडियो रेसिपीज की शेयर भी करेंगे, इंटरनेट से भी ईजीली बनी जा सकती है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर बनाएं, हमारे साथ जरूर शेयर करें, मनोज उसे जरूर जज करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। We'll start the process. So we'll take some flour, which is approximately 100 grams. उसके बाद some grain flour. Okay. Salt. Salt. हम लेंगे 10% salt, मतलब flour 1 kg का रहेगा तो 10% salt चाहिए okay. और 50% absorption रहता है okay. तो उसके वजह से 1 kg flour में 50% इज water. Water. वो कंपल्सरी वैसे रहता है ब्रेड के लिए okay. और focaccia अलग रहेगा तो हाई हाइड्रेशन डो बोलते हैं उसके okay. 80%, 90%, 100% उसमें water की कंटेंट ज़्यादा होता है yes. okay. That's the percentage. Okay. Flour हम लेंगे 100 ग्राम, मतलब पानी जाएगा 50 ग्राम। So we'll start the procedure. Okay. This is a spiral mixer of 20 liters. Okay. So इसमें dough बनता है सिर्फ 5 kg का. Okay. क्योंकि whipping के लिए इसको लगता है 20 liters of cream. Okay. But dough के वक्त उसको toughness और उसका hardness जो रहता है वो carry नहीं कर सकता वो. Okay, okay. So इसे हम manually dough को ये तैयार कर सकते हैं क्या? कि बहुत अच्छा। इसे manually dough को तैयार पहले Jewish में वो manually करते थे. Okay. पर अभी modern हो गया थोड़ा जमाना इसके लिए। मनोज, हमने शेफ प्रोफेशन के बारे में बहुत लोगों से सुना, लेकिन एक्चुअली शेफ होता क्या है, प्लीज़ हमें उसके बारे में बताएं। शेफ मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है, शेफ क्लीन हाइजीनिक इथनिक फूड। ओके, मतलब जो आदमी क्लीन हाइजीनिक एकदम ऑथेंटिक फूड बनाता है वही शेफ जाना रहता है। ओके, और जैसा रहता है शेफ के कैप पे फोल्डिंग्स रहता है, आपने देखा होगा, तो उसमें 100 फोल्ड्स रहता है। तो उसका मीनिंग क्या रहता है कि शेफ एक प्रोडक्ट 100 वेरियस वेज में कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एग को बॉइल किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, उसका ऑमलेट बनाया जाता है, ये हो गया 4 प्रोडक्ट। ऐसे 100 जब होगा तो उसको शेफ मानते हैं। सो मनोज, जैसे बाकी के फील्ड्स में भी स्पेशलिटी होती है, डॉक्टर्स में अलग अलग तरीके की स्पेशलिटी होती है, इंजीनियर्स में होते हैं, वैसे शेफ में भी अलग अलग तरीके की स्पेशलिटी होती है। यस रहता है, उसको हम बोलते हैं शेफ हायरार्की चार्ट। उसमें कैसा रहता है, बेसिक 4 स्टेप, उसमें सब डिवाइडेड स्टेप रहता है, जैसे इंडियन हो गया, कॉन्टिनेंटल, थाई, चाइनीज, फिर ओरिएंटल। ये इंडिया में, बाहर के इसमें रहता है फ्रेंच, मतलब उसके अंदर जो आता है मिशेलिन स्टार okay. जो एकदम स्पेशलाइजेशन इन वन प्रोडक्ट okay. उसमें मिशेलिन मतलब एक ये सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं, 1, 2, 3 तीन स्टार देते हैं, जो 3 स्टार अटेंड कर दिया ही इज अ मिशेलिन शेफ, उसका लेवल अलग रहता है। उसके आगे नहीं है, लास्ट लिमिट इज द 3 स्टार मिशेलिन शेफ, ऑलमोस्ट अचीवमेंट जैसे कह सकते हैं। यस एग्जैक्ट, जैसे विकास खन्ना हो गया, गॉर्डन रैम्सी हो गया, दीज आर लाइक दे हैव मोर देन 2 or 3 रेस्टोरेंट इन मिशेलिन स्टार, बट दे हैव अचीव्ड अ 3 स्टार इन मिशेलिन। ओके, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरा स्पेशलिटी है अ पेटिसियर, सो आई एम गुड इन केक्स, पेस्ट्रीज, कन्फेक्शनरी एंड शुगर। ओके, तो मनोज आपको शेफ बनने के लिए किसने इंस्पायर किया? बेसिकली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन,
बट उसके बाद मैंने जॉब करके मुझे पता चला कि इसमें वो किक नहीं है, मजा नहीं था वो काम करने का, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, तो उसके वजह से मैंने मेरा पैशन को फोकस करने का मैंने सोच लिया था। तो उसके वजह से मैं जेडब्ल्यू मैरिट IHM गोवा में मैंने कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वो हो गया। उसके बाद मैंने 1.5 ईयर का उधर डिप्लोमा कोर्स करके फिर जेडब्ल्यू मैरिट। इसी से हम ये भी जानना चाहेंगे कि शेफ बनने के लिए किस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब कहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, कैसे परस्यू करना है। एज सच अगर आपको बेसिक कोर्स करना है, डिप्लोमा या क्राफ्टमैनशिप कोर्स करना है, तो 12th पास होना जरूरी है कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि 10th पास हो गया तो मिल सकता है, ऐसा नहीं है, मिलेगा पर प्राइवेट में मिलेगा। अगर गवर्नमेंट को अगर अप्लाई करना हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 12th, और 12th में भी 65 के आगे परसेंटेज इज कंपल्सरी। और अगर समझिए कोई खुद का आगे जाके रेस्टोरेंट या कैफे खोलना चाहता है तो जरूरी है कि उसके लिए डिग्री लेना, कि आप सेल्फ टॉट भी हो सकता है या कुछ सीख के प्रैक्टिस करके हो सकता है। सेल्फ टॉट भी हो सकता है, बट जो एक्सपीरियंस है, जो कल्चर है, जो स्ट्रिक्टनेस है, मतलब आपको जो हाइजीन मेंटेन, वो पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो कंपल्सरी मेरा रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट कॉलेज इज द बेस्ट फॉर बिकमिंग अ शेफ। या तो शेफ बनने के लिए किसी स्पेसिफिक स्किल की जरूरत होती है आपके हिसाब से, या एक ऐसी कोई चीज जिसमें वो चाहिए ही चाहिए हर एक में? वो सब में रहता है, हमारा पैशन वो सबसे इम्पोर्टेंट है, डेडिकेशन एंड द वर्क व्हाट यू डू, यू शुड बी हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग। ओके, इसके अलावा बाकी मतलब अब तो अनफॉर्चुनेटली इस केस में ऐसा नहीं होता हुआ क्योंकि मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, साइंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आगे जाके अब जब आप अपना प्रोफेशनल करियर चालू हो गया एज अ शेफ, तो उस वक्त कैसे रहता है, मतलब वो अर्निंग कैसे चालू कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच कैसे सकते हैं? द मेन थिंग इज फाइनेंस, फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। आप जो बना रहे हो इन एंड आउट, उसमें जो डिफरेंस आता है, परसेंटेज रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, वो आपको एवरी डे और एवरी मंथ एक बार तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डेली बेकिंग करते जाओ, प्रोडक्ट सेल आउट करते जाओ, और आपको ही पता नहीं आप कितने पानी में और कितने ऊपर। ओके, सो फाइनेंशियल नॉलेज भी उतनी इम्पोर्टेंट है, आपको खाने के बारे में पता होना चाहिए। सो आई थिंक द डो इज रेडी, सो वी विल टेक आउट द डो। मतलब जब आप एज अ शेफ ये कर रहे थे, मतलब सीख रहे थे, तो आपने इन सबके बारे में नॉलेज किसने दिया, गाइड किसने किया? गाइड मतलब द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन टू मी इज माय डैड। ओके, मेरे डैड भी ग्रेजुएट है IHM मुंबई से। ओके, तो उसने ही मैं देख के उनसे ही इंस्पायर हुआ। ओके, तो वो खुद इस प्रोफेशन में ऑलरेडी थे? यस यस। ओके, दैट्स नाइस। ही ओन्स होटल आई विद देम। ओके, सो ही लुक आफ्टर होटल आई विद देम। तो उसके वजह से मुझे इंस्पिरेशन आ गया कि जॉब में कुछ वो किक नहीं है जो बिजनेस में है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसके बारे में मतलब शेफ बनना के खून में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हां, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रॉम आई एम क्वाइट सरप्राइज कि अगर पहले ऑलरेडी आप कैसा बैकग्राउंड, तो इंजीनियरिंग की तरफ जा कैसे सकते हैं? वैसी बात नहीं, जो रहता है कि इंजीनियरिंग क्या है। हाँ, अभी होटल में देख के ऐसा लग रहा था छोटे कि बहुत काम है, ये जॉब में रिलैक्स होगा, पर वो मिथ नहीं है। ओके, जॉब में जो आपको मिलेगा 9 to 5 जॉब में क्या मिलेगा, सुबह जाने का, करने का, 5 आने का, फिर रिलैक्स, पर जो बिजनेस में मजा है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बट आउटकम भी बहुत ज्यादा, जॉब सेटिस्फेक्शन आपका कभी भी ज्यादा रहता है। अब आगे की क्या प्रोसीजर है इसमें? अभी इसको रोल करके इसके हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसका बेडिंग एक दूसरे टाइप में बनता है। ओके, इसमें ज्यादा ऑयल या पानी या फ्लावर नहीं लगता, फ्लावर सरफेस पे वर्क करने के लिए। तो इट्स वेरी सिंपल, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 150 ग्राम बैगल। ओके, सो इसको ऐसे करते हैं, इधर फोल्ड करते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ डोनट। ओके, बट अ सेफ्टी प्रोडक्ट। बाकी ये सब बनाएंगे। तो अभी ये क्या होगा, एक प्रोसीजर है ब्रेड के लिए, उसको बोलते हैं प्रूफिंग। तो इसमें जो ईस्ट रहता है अभी इट्स काइंड ऑफ एक्टिव बट नॉट दैट एक्टिव, सो इसको हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद इट विल डबल इन साइज। अच्छा, जो है प्रोडक्ट, तो जो टेस्ट का पार्ट था वो उसमें बाद में ऐड करेंगे। यस, एब्सोल्युटली, जो टेस्ट का पार्ट है वो हम ऐड करेंगे बाद में। तो ये प्रूफिंग होने के बाद हम उसको बॉइलिंग वाटर में थोड़ा हनी ब्राउन शुगर डाल के उसको हम बॉइल करेंगे।
तो गाइस इस पार्ट को ध्यान से देखिए, इस चीज के लिए लगने वाले सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं डिश को बनाने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। बाकी जरूर ट्राई करें, अगर आपको और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, हम उसे जवाब देना जरूर पसंद करेंगे। तो मनोज, यूजुअली आज के समय में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल होता है कि वो आगे जाके शेफ बने या उन्हें इंटरेस्ट भी होता है, तो वो अपने पेरेंट्स को या फिर इस चीज को एज अ करियर कैसे अप्रोच कर सकते हैं? एज सच उनको अगर खुद में इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्टली उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं। ऐसे नहीं कि आजकल के पेरेंट्स जैसे थोड़े फ्री हो गए, मैंने जैसे इंजीनियरिंग किया मैंने फिर घर में बताया तो थोड़ा हो गया, तो मैं हो सकता है चीज़ में थोड़ा स्ट्रेस है, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो मैं बोला कि हाँ हो सकता है। ऐसा एडसेंस अभी के ज़माने में तो ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग में जा, ऐसा अभी का तो आज के टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स वैसे कन्विंसिंग है या सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर। यस यस एब्सोल्युटली, अभी तो शिफ्ट के लिए तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, घर वाले तो देखते हैं मास्टर शेफ इंडिया ये सब, छोटे बच्चों के लिए भी आज के समय में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन, बहुत सारे नए कॉम्पिटिशन ओपन हुए। तो आप अगर आपको पता है कि आपके बच्चे शेफ होने के लिए काबिलियत है, टेंथ में आपको पता, उनको छोटे जो कॉम्पिटिशन करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दीजिए, तो थोड़ा उनको और एक्सपोजर मिलेगा नया क्या चल रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियन शेफ, जैसे पंजाबी कॉन्टिनेंटल इंडियन, ऐसा ही नहीं कि और एक्सप्लोर किया तो और बहुत अलग अलग क्यूजिन भी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज के समय में एक बात जो या फिर एक चीज़ जिसकी वजह से हम सबकी लाइफ में बहुत फर्क आया वो है इंटरनेट। सो सोशल मीडिया, इंटरनेट का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो एस्पायरिंग शेफ है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी जैसे मैं भी एस्पायरिंग शेफ भी हूँ, अभी मेरा रिसेंटली 2.5 ईयर ही हो गए ये फील्ड में, तो मेरे लिए क्या हुआ था, इंस्टाग्राम वॉज द मोस्ट अच्छी मेरे क्लाइंट्स के लिए, क्राउड के लिए। ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा बेकिंग, जैसे बेकरी के पहले मैंने थोड़े घर में ही होम बेकिंग चालू किया था लॉकडाउन के वक्त, तो मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। पर एक बात है जो आप करते हो कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंट करना चाहिए, जैसे नहीं कि इंस्टाग्राम पर दो दिन पोस्ट डाले, तीसरे चौथे पाँचवें दिन स्टॉप किया वापस, तो जो कम्युनिकेशन रहता है इंटरेक्शन वो नहीं होता। और या फिर ऐसा कोई इंसान है जिसे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं लेकिन उसे अभी न्यूली इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो सीखने के लिए उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं? अभी जैसे कि लॉकडाउन में तो देखा ही होगा आपने सब लोगों ने कि कितने बड़े बेकर्स आ गए, तो उनके लिए बेसिक नॉलेज है कि आपको कैसा बेसिक प्रोडक्ट केक के लिए क्या रहता है, स्पंज, क्रीम और उसका फिलिंग, जो आप यूट्यूब पर आपको आराम से मिलेगा। और उसके लिए लगने वाले जो भी टूल्स वगैरह होंगे क्या वो भी इजीली अवेलेबल रहते हैं? यस यस एब्सोल्युटली, Amazon वगैरह जैसे वेबसाइट्स पे, अभी Amazon वेबसाइट रहा नहीं तो सुपरमार्केट रहा, अभी तो बहुत सारे नए सुपरमार्केट्स आ गए जिधर आपको इजीली सब प्रोडक्ट मिल जाते हैं। पहले जैसा था कि स्पैचुला लेने गए तो मुंबई जाना पड़ता था, पुणे जाना पड़ता था, अभी के लिए बेकिंग शीट रहा, बेकिंग पेपर रहा, कुछ भी प्रोडक्ट सब इजीली ऑनलाइन अवेलेबल। एब्सोल्युटली ऑनलाइन, तो अभी ऑनलाइन का ही जमाना है। अच्छी होता है। और साथ में ऐसी कुछ चीज़ें रहती है आपके हिसाब से कि जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इनिशियल स्टेप में, जो आप करना चाहेंगे या आपको लगता है कि बहुत बड़ी गलती थी आप उसे अवॉइड कर सकते हो? ओके, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते वो था इंग्रेडिएंट और बेकिंग मिक्स। ओके, इसमें आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो आपका सब कॉम्प्रोमाइज़। मतलब क्या होता है कि अगर इक्विपमेंट आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसको मेंटेनेंस ज़्यादा है, अभी आप ओवन लेने को गए तो 1 लाख का ओवन भी मिलता है, 10 लाख का भी मिलता है, तो आपका बजट के हिसाब से आप बोल रहे हो कि आपका 1 लाख बजट है तो 2-3 लाख तक जाइए, क्योंकि मेंटेनेंस उसको कम रहेगा फ्यूचर में। अगर लोकल में अगर तो सस्ता रहेगा तो उसको मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरा उतना ही। इन सब चीज़ों में एक सबसे और ज़रूरी बात डिस्कस करना मैं चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिजनेस है। yes, okay. तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो ज़रूर चाहिए, तो आज के समय में बिजनेस लोन्स के अलावा या और कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिस जहाँ से जो भी एस्पायरिंग शेफ हो या फिर लोग वो कैपिटल रेज कर सकते हैं? अभी नया स्कीम्स आ गए मोदी जी की वजह से वो था स्मॉल बिजनेस के लिए। ओके, तो उसके वजह से आप उधर अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगा लोन। अब अगर आपका स्मॉल बिजनेस उसमें आपका रजिस्टर होता है तो आपको मिल जाएगा इजीली कुछ। और बाय वर्स्ट केस सिनेरियो एनी हाउ समझिए, अगर कोई कैपिटल नहीं रेज कर पाया तो वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकता है या अर्निंग कैसे चालू कर सकता है? फिर वो फ्रेंड्स एंड फैमिली की वजह से आपको थोड़ा फंड्स रेज करना पड़ेगा,
तो अगर आप डिग्री नहीं लिया और आपको ओपन करना है तो फाइनेंस इज मस्ट, और अगर आपने डिग्री किया है तो रिकमेंड है कि 2.5 ईयर एक रेनाउंड शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ज्यादा एक्सपोजर भी हो सकता है, प्लस आपके कॉन्टैक्ट सर्कल भी उस हिसाब से बनेगा। आपको अगर 5-10 साल के बाद आप वो ओल्ड शिफ्ट अगर कॉल करें तो आपको भी हेल्प आउट करेगा, नए शिफ्ट में कुछ डूज एंड डोंट्स में भी वो आपको मदद करेगा, क्योंकि शेफ में कुकिंग स्किल्स से ज्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स भी, जैसे आपने कहा इंग्रेडिएंट्स या फिर टूल्स में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी शेफ के अंडर काम करते हो या फिर जॉब करते हो तो आपका सर्कल भी वैसे डेवलप हो रहा है, आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं जो आपको हाई क्वालिटी और कम दाम में, क्योंकि क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो एवरीथिंग हैज अ लिमिट और उसकी भी कॉस्ट रहती है। तो आप जितनी हाई क्वालिटी चीज़ों को कम कॉस्ट में ले पाओगे उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा, इसलिए कि एक प्रोडक्ट आपको MRP पे मिलता है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट रहेगा तो MRP के 40% 50% डिस्काउंट में भी मिल सकता है। तो शेफ इस प्रोफेशन का आज के समय में लोगों की लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस रखता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कुकिंग इस प्रॉपर स्किल के बारे में बोला जाए, क्योंकि अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मैं तो कुकिंग को एक आर्ट के तौर पर ये करता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट ए जॉब इमेजिन करके इंग्रेडिएंट्स को एक करना। तो आपके हिसाब से लोगों की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? द मेन बेसिक नीड इज फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, फूड गिव्स यू 33.3% बेसिक नेसेसिटी। तो आपको अगर इसमें रिनाउन बनने का है तो आपको बहुत वेद है जैसे मैंने बोला था, पर अभी जो बेसिक नेसेसिटी इज फूड, मुझे तो लगता है अगर आप बाहर आउट ऑफ इंडिया गए तो उधर का फूड भी बहुत महंगा है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो लेना ही चाहिए, एटलीस्ट आप खुद का पेट तो एटलीस्ट भर ही पाओगे, और कितना आप फाइनेंस भी बचा सकते हो। ओके दैट्स नाइस। सो मनोज, हम हमारे सभी एस्पायरिंग शेफ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके तरफ? सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बी स्पेसिफिक ऑन व्हाट यू डू, मतलब जो है आप करना क्या चाहते हो तो उस पर तरफ आप फोकस करो। जैसे कि अभी शेफ के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो बहुत प्रोसीजर जो हमने लिया और सुशांत ने बोला ही था तो आप उसको भी थ्रू कर सकते हैं वीडियो के बीच में। और एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बी क्लीन एट व्हाट यू आर, मतलब ऐसा नहीं कि आप शेफ अगर आपने कोर्स भी किया है तो आपने इंडियन में किया, क्योंकि इंडिया में तो आप इंडियन शेफ भी बन सकते हो और पैटी से, तो आपके दूसरे में इंटरेस्ट है तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आउट ऑफ इंडिया जा सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है 10-12 उसके आगे कोर्सेज है, ऐसे नहीं है कि आपने इंडिया में किया तो इंडिया में ही जॉब लगना चाहिए, मिलेगा इंडिया में आप करके उसके तरफ आप जाके उसके बाद में भी आप बाहर भी जा सकते हो, आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, उधर आपके फील्ड में आप कंसिस्टेंट रहिए और आपका फोकस जो रहना चाहता है वो फूड में ही रहना चाहिए, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए आपके, अगर शेफ अगर आपको बनने का है तो ही। अभी जो मैंने IHM में गया था तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुआ कि मुझे लगा था कि ये एक ही कोर्स है, मतलब फूड के लिए एक ही कोर्स है, बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं जब IHM में गया तो मुझे पता चला कि और बहुत सारे डिफरेंट वेज है कि आप हॉटल मैनेजमेंट कर सकते हो। बट माई रिकमेंडेशन इज टू गो इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसा दो जो मेन फोकस है वो एजुकेशन नहीं है, जो आपको उधर हॉबीज मिलता है, आपको टाइम पोलाइटनेस जो आता है वही आपको हॉटल मैनेजमेंट में आपको आगे ले जाएगा। सो रिकमेंडेशन इज अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज विच इज NAC रिकमेंडेड। अभी ये आखिर का बेगल है तो अभी ये हम ब्लांच करेंगे मोलेसेस और शुगर में। अभी ब्लांच करने के लिए बहुत इजी है, कुछ नहीं सिर्फ उठाने का, पूरी तो देखा ही होगा, सिर्फ डिप करने का और 2-3 मिनट्स के बाद तो इसके ऊपर एक स्किन आ जाएगा वाइट कलर का, तब निकाल के वापस रख दें। ये करना क्यों ज़रूरी होता है? इसके वजह से वो चीवी और ऐसा जो थोड़ा टेंशन आता है खाने के वक्त। हमने और कुछ डाला है क्या वो? हाँ, मोलेसिस और शुगर। ओके, मोलेसिस मतलब जो शुगर केन का जो एक्सट्रैक्ट रहता है। अभी आपने देखा होगा इसके ऊपर रिंकल्स है और इसके ऊपर प्लेन है, तो ये रिंकल की वजह से थोड़ा उसको स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे ही हम सब अभी करेंगे। सो अभी ये सब ब्लांच हो गया है तो ये क्या होता है कि ड्राई हो जाता है वापस, तो इसका मॉइस्चर चला जाता है, तो हम 25-30 मिनट्स के लिए इसको टी टाइम टॉवल में रख देंगे और थोड़ा इसको पानी का स्प्रे कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा इसके वजह से इसका मॉइस्चर भी रिटेन रहता है और ईस्ट भी ओवर एक्टिव नहीं होता। अगर ड्राई हो गया तो ईस्ट क्या करता है कि ऊपर का स्ट्रक्चर हार्ड बनने के वजह से क्रैक स्ट्रक्चर आता है, तो
उसका दिखने में अपीलिंग नहीं आता पर टेस्ट सेम ही रहता है। और इसे हमें कितने देर के लिए रखना है? इसको हम 25-30 मिनट तो मिनिमम रखना पड़ेगा। इसका साइज ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। ओके उतना तक ओके। तो हम ये 25 मिनट्स के लिए रख देंगे। A few moments later. So, इसकी वजह से इसका जो ग्लूटेन फॉर्मेशन रहता है वो वापस सेटल डाउन होता है। ब्रेड को क्यों इतना अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर जो होल्स रहता है एयर होल्स एयर पॉकेट उसकी वजह से वो एयरी और फ्लफी बनता है। तो अभी टेम्परेचर ऑलमोस्ट अटेन हो गया है अपने लिए तो द टेम्परेचर इज 124। इसको 130 में बेक करना चाहिए तो 24 भी चलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम अभी डाल देंगे। इसे हम कितने देर के लिए बेक करेंगे? इसको मिनिमम 30 मिनट्स तो बेक करना चाहिए। ओके उसके वजह से इसको और अच्छा स्ट्रक्चर आ जाएगा। सर मनोज मुझे ऐसे पूछना था कि अगर समझिए किसके पास ओवन नहीं है तो क्या वो घर पे बेगल बना सकते? यस यस एब्सोल्युटली। जो कुकर रहता है उसको जो साइड का ब्लैक कलर का हम उसको रबर का सीलिंग रहता है वो निकाल के उसके नीचे सॉल्ट या हम वो देखिए ग्रेन सैंड डाल के उसके ऊपर एक स्टील का प्लेट रख के उसके ऊपर भी बेकिंग कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो जरूरी नहीं है कि हम इसे अवन ही पे ही बनाएं। हम घर पे भी इसे बना सकते हैं। सो कोई भी अगर आप जरूर ट्राई करें। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये डिश इंटरेस्टिंग लगी अच्छी लगी तो प्लीज इसे ट्राई करें। हमारे साथ जरूर शेयर करें। एब्सोल्युटली विल हेल्प यू। और गाइस अब हमारी डिश पूरी हो चुकी है। बेगल कंप्लीट हो चुका है। इसके ड्रेसिंग के बारे में अब हमें मनोज बताएंगे। सो दिस डिश इज रेडी। सो हम इसको बेगल सैंडविच बोलते हैं। इसके अंदर टोमेटो फेटा चीज बेसिल और सब थोड़ा हर्ब है तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्रीम चीज़ के साथ मस्टर्ड सॉस के साथ और सिर्फ प्लेन ऑलिव ऑयल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम और किसी तरीके से कर सकते हैं? मतलब अगर समझिए इसे स्वीट बनाना हो तो क्या इसे स्वीट बनाया जा सकता है? हाँ इसको स्वीट भी बनाया जा सकता है क्योंकि क्रीम चीज़ जो है वो स्वीट भी आता है और सेवरी भी दोनों को माना जाता है। ओके तो आप इसको स्वीट में पोमोग्रेनेट थोड़ा कीवी के साथ भी आप इसका सैंडविच बना के खा सकते हैं थोड़ा टोस्ट करके। That's really amazing. Thank you so much, Manoj, for having us today. So guys, आज के लिए बस इतना ही। I hope आप सभी ने हमारा वीडियो बहुत enjoy किया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। स्पेशली उनके साथ जिन्हें आगे जाके शेफ बनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ। So till then, keep watching, keep learning, keep exploring.